अगर आपने भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन करवा लिया है और आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहते हैं, आप अपने आवेदन की प्रिंट पावती यानी कि जो आवेदन जो आपने करवाया है उसकी पावती को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप आवेदन पंजीयन पावती को डाउनलोड करेंगे, साथ में आप अपने आवेदन की स्थिति को कैसे देख पाएंगे कि आपका DBD और आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं है, उसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। लाडली बहना में अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको लाडली बहना योजना की इस ऑफिशियली वेबसाइट पे आना होगा। आने के बाद यहाँ पे आप मुख्य पृष्ठ के पास में ही देखेंगे आवेदन की स्थिति। सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आवेदन की स्थिति। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट होम पेज पे आएंगे जिसमें आप देख सकते हैं आवेदन की स्थिति। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की स्थिति आप दो प्रकार से देख सकते हैं। सिंपली अगर आपके पास आवेदन क्रमांक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास आवेदन क्रमांक नहीं है तो आपकी जो समग्र सदस्य ID है, जिस सदस्य के नाम से आवेदन किया है उस सदस्य का ID भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, समग्र सदस्य ID। हमारे पास यहाँ पे आवेदन क्रमांक है तो हम यहाँ पे आवेदन क्रमांक फिल कर लेते हैं और जो कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिल करना है। कैप्चा कोड को यहाँ पे आप सही तरीके से फिल करने के बाद OTP भेजे पर आपको क्लिक करना होगा। OTP भेजे पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, जबकि आपने लाडली बहना की योजना के अंतर्गत जो आवेदन करवाया है जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड हो चुका है। उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे आप इस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे, OTP को एंटर करने के बाद आपको खोजे बटन पे क्लिक करना है। जो जैसे OTP मैच होता है तो आपका यहाँ पे आवेदन ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना आवेदन क्रमांक, आवेदिका का नाम, आवेदिका की समग्र ID, जिले का नाम, आवेदन की स्थिति, आवेदन हुआ है या नहीं हुआ है यानी कि आवेदन हो चुका है तो हाँ की स्थिति आपको देखने को मिलेगा, संभाग, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, जोन, वार्ड और परिवार, समग्र क्रमांक, आधार लिंक है या नहीं है, आपका DBD सक्रिय है या नहीं है, आपके अकाउंट सक्रिय है या नहीं है, वो सारी ही स्थितियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हैं, जिसमें अगर आपका आवेदन क्रमांक आप भूल चुके हैं, आपके पास आवेदन क्रमांक नहीं है तो आप यहाँ पे आवेदन क्रमांक को भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं और आपके आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं। आपका खास यहाँ पे DBT सक्रिय है या नहीं है, आधार लिंक है या नहीं, यह सब देख पाएंगे बड़ी आसानी से। और व्यू पावती पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पावती है वो आपके सामने PDF में ओपन हो जाएगी। सिंपली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आवेदन पावती, इसमें आपको महिला का लाइव फ़ोटो और कैप्चर दिखाई देगा यानी कि QR कोड और नीचे आपका आवेदन किसने किया है वो सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। आपका घोषणा पत्र दिखाई देगा और आपका नाम और पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक की स्थिति, सारा कुछ यहाँ पे डाटा आपको दिखाई देगी, जिसमें ऊपर में आप ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक भी देख पाएंगे। सिंपली इसकी अगर आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस पावती को सेव भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आवेदन की स्थिति को चेकआउट कर सकते हैं।